अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल केमिस्ट्री। हम पढ़ रहे हैं एफएससी पार्ट वन का चैप्टर नंबर फर्स्ट, बेसिक कंसेप्ट्स का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये लेक्चर नंबर 10 है। इसमें हम पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या चीज़ है, हम मॉलिक्यूलर फार्मूला किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी कंपाउंड हमें दिया जाता है क्या और कहते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें, तो हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने से पहले हम क्या करते होते हैं, फिर उसका एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करने के बाद, एम्पिरिकल फार्मूला लिखने के बाद फिर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते होते हैं। और जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो कैसे हम लिखते हैं, उसके फोर स्टेप्स होते हैं जिनको हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9 में। लेक्चर नंबर 8 में भी हमने उसी को डिस्कस किया है, एम्पिरिकल फार्मूला को फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स। कोई भी हमें सिंपल मॉलिक्यूल दिया जाता है तो हम उसको एम्पिरिकल फार्मूला उसका कैसे लिख सकते हैं। और लेक्चर नंबर जो हमारे पास था 9, उसमें हमने कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू किसी भी कंपाउंड का जो है एम्पिरिकल फार्मूला हम कैसे लिख सकते हैं उसको बड़े अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9 जो है वो ज़रूर सुनिएगा। उनके जो लिंक हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर वो लेक्चर्स सुन सकते हैं। तो आते हैं आज के हमारे आज के टॉपिक की तरफ, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या चीज़ है, कोई भी कंपाउंड है हमारे पास उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स, एक एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट है उसके बारे में बताता है। कि कार्बन है, कार्बन एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड के अंदर कार्बन के कितने एटम्स हैं, अगर हाइड्रोजन है हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है हमें। और जो एम्पिरिकल फार्मूला था वो हमें पता है शॉर्ट फॉर्म उसकी होती है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो मीन्स अगर हमारे पास C6H6 है तो वो रिप्रेजेंट करेगा CH, उसको होल फॉर्म में जो शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा, ठीक हो गया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन देखते हैं, इट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट के टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उनकी एक्चुअल वैल्यू के बारे में हमें बताता है, ठीक हो गया। मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन एलिमेंट्स हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएगा हमें एग्जैक्ट वैल्यूज बताएगा कि ऑक्सीजन के इतने एटम्स हैं, कलर जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसके इतने एटम्स हैं और जो ऑक्सीजन है उसके इतने एटम्स प्रेजेंट है, हर एक के बारे में हमें बताएगा, ठीक हो गया। इसके एग्जांपल देखते हैं, बेंजीन, बेंजीन में C6H6। अब ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बता रहा है हमें कि ये जो बेंजीन है इसके अंदर हमारे पास कार्बन जो है 6 है और हाइड्रोजन जो है वो भी 6 हैं। उसके बाद ग्लूकोज की बात करें तो C6H12O6, इसमें भी हमारे पास कार्बन जो है वो 6 हैं, हाइड्रोजन 12 हैं और ऑक्सीजन जो है वो 6 हैं, ठीक हो गया। इस तरह ग्लूकोज जो है C6H12O6 है, इसमें हमारे पास ये हमें बता रहा है कि इसमें कार्बन के टोटल 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के टोटल 12 एटम्स हैं और जो ऑक्सीजन है उसके टोटल 6 एटम्स हैं, ठीक हो गया। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में हमें बता रहा है, ठीक है। अगर हम बेंजीन जो है उसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखें तो हमारे पास वो CH होगा, शॉर्ट फॉर्म उसकी आ जाएगी। और ग्लूकोज लिखें तो हमारे पास CH2O बन जाएगा इसका एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। ऊपर वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला से और नीचे वाले एम्पिरिकल फार्मूला से। अब आते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, उसका फार्मूला क्या है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास है फार्मूला जो है क्लियरली बता रहा है कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे, फिर उसके बाद हम एन, एन कोई भी इंटीजर है 1 2 3 4 5 कोई भी हो सकता है, तो फिर हम उस एम्पिरिकल फार्मूले को किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। और जो एन है हमारे पास कोई भी इंटीजर, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड जो हमें दिया जाएगा जिसका हमने लिखना है एम्पिरिकल फार्मूला और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसका हमने लिखना है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जो है वो हमें दिया जाएगा, सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दिया जाएगा, मॉलिक्यूल की वो उसकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो तो हमने खुद लिखना है। उसके बाद ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास, जब हम एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लेंगे तब हम उसका एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे, मतलब उसका मोलर मास निकालेंगे, फिर इसका जो मोलर मास होगा उसको हम यूज़ करेंगे और ये जो हमें कंपाउंड का दिया जाएगा ये हम खुद डिटरमाइन कर लेंगे और इनको दोनों को डिवाइड करके हम एन की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन कर लेंगे, फिर एन की वैल्यू को एम्पिरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास जो है वो आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आते हैं एक एग्जांपल की तरफ, कंबस्शन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज इट टू कंटेन 65.44% कार्बन,
5.50% हाइड्रोजन एंड 29.06% ऑफ ऑक्सीजन। ठीक हो गया, एक कंपाउंड था हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे, और वो कितने कितने परसेंट है वो उन्होंने बता दिए। व्हाट इज द एम्पीरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का एम्पीरिकल फार्मूला क्या है? इफ मॉलिक्यूलर मास इज 110.15 ग्राम्स पर मोल, मतलब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो मैंने ये बात की थी, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें कंपाउंड का दे दिया है, हमने उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दे दिया है, हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। तो उससे पहले हम एम्पीरिकल फार्मूला उन्होंने कहा डिटरमाइन करें, उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दे दिया है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। दो चीज़ें हमने डिटरमाइन करनी है, एक एम्पीरिकल फार्मूला और दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला। और हमें चीज़ें कौन कौन सी दी हैं, कार्बन का परसेंटेज दी है कि ये इतने ग्राम्स है, और ऑक्सीजन दी है, हाइड्रोजन दी है, और उसके बाद मॉलिक्यूलर मास जो है कंपाउंड का वो हमें दे दिया है कि ये कंपाउंड है उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 110.15 ग्राम्स पर मोल है। ठीक हो गया, ये हम चीज़ें दी हैं, हमने ये दो दोनों चीज़ें निकालनी हैं। तो इन दोनों में से हम कौन सी पहले निकालेंगे, एम्पीरिकल फार्मूला जो है वो हम पहले निकालेंगे। और एम्पीरिकल फार्मूला निकालने के फोर स्टेप्स होते हैं, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि हमने नाइन लेक्चर नंबर 8 और 9 में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किए हैं। यहाँ पे भी हम करेंगे क्योंकि हमें एम्पीरिकल फार्मूला डिटरमाइन करना है, तो हम यहाँ पे भी वो फोर स्टेप्स यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, अब इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास एम्पीरिकल फार्मूला डिटरमाइन करने का, हम क्या करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं हर एक एलिमेंट की। जैसे यहाँ पे एलिमेंट्स कितने, हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तीन एलिमेंट्स हैं, हम इनके क्या निकालेंगे परसेंटेज कंपोजिशंस निकालनी होती है। परसेंटेज कंपोजिशंस निकालने का तरीका क्या होता है कि हमें जो कंपाउंड का मास दिया जाता है, यहाँ पे तो मोलर मास दिया गया है, हमारे पास कंपाउंड का मास दिया जाता है, उसके बाद हर एक एलिमेंट का मास दिया जाता है, फिर हम मास ऑफ एलिमेंट ओवर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100 करते हैं तो परसेंटेज कंपोजिशन आ जाती है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, हमें परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई है, तो हमारे पास जो पहला स्टेप है परसेंटेज कंपोजिशन वाला, जो पहला स्टेप है परसेंटेज कंपोजिशन वाला, वो हमारा हो गया क्योंकि उन्होंने परसेंटेज कंपोजिशन हमें डायरेक्टली दी हुई है। अगर ये ना दी हुई हो, हमारे पास एलिमेंट्स के मास दिए हुए हों, कंपाउंड का मास दिया हो, तो वो हम पहले परसेंटेज कंपोजिशन निकालते होते हैं। ये हमने लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9 में, दोनों लेक्चर में हमने खुद निकाली है ये परसेंटेज कंपोजिशन, उसके बाद हमने फिर सेकंड स्टेप पे गए हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास पहला स्टेप था एम्पीरिकल फार्मूला निकालने के लिए। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, हमने मोल्स निकालने होते हैं हर एक एलिमेंट के मोल्स, कार्बन के कितने मोल्स हैं, हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं, हमने हर एक एलिमेंट के जो है नंबर ऑफ मोल्स वो निकालने होते हैं। ठीक हो गया, उसके लिए हम क्या करते होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होता है मास ऑफ एलिमेंट या सब्सटेंस ओवर मोलर मास, जिसके हमने मोल्स निकालने हैं उसका मास ओवर उसका मोलर मास। यहाँ पे हम अगर हमने कार्बन के मोल्स निकाले, मोल्स ऑफ कार्बन, तो हम लिखेंगे मास ऑफ कार्बन ओवर मोलर मास ऑफ कार्बन। ठीक हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ कार्बन हमारे पास कितना है 65.44, ओवर मोलर मास इसका एटॉमिक मास कार्बन का कितना है 12 है, तो ये इसके आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स 5.45। ठीक हो गया, इस तरह हमने निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन ओवर एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन या मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो मास हमें दिया गया यहाँ पे 5.50 ओवर 1008 इसका जो एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का, उसके पे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 5.46 इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक हो गया, इस तरह हमने ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स निकाले, मास ऑफ ऑक्सीजन ओवर मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मास हमें दिया गया यहाँ पे 20.06 ओवर मोलर मास 16 है, तो ये इसके नंबर ऑफ मोल्स 108 आ गए। हमारे पास टू स्टेप्स हो गए, पहले परसेंटेज कंपोजिशन वो हमें निकालनी नहीं पड़ी, उन्होंने खुद दी हुई थी, सेकंड स्टेप नंबर ऑफ मोल्स। अब थर्ड स्टेप आ गया कि हमने एटॉमिक रेशियो फाइंड करनी है। एटॉमिक रेशियो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं, ये वाले, ये नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स और ये नंबर ऑफ मोल्स, हमने तीनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं, हम क्या करेंगे सबसे छोटी वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स की होगी, सब वैल्यूज़ को उस पर डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया, अब हमने यहाँ इसको सीक्वेंस में रखेंगे, सी मतलब कार्बन रेशो, हाइड्रोजन रेशो, ऑक्सीजन, इस तरह इनकी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लिख लेंगे इक्वल, ये कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स। ठीक हो गया, आपने एलिमेंट्स की सीक्वेंस यही रखनी है। अब यहाँ पे हमने इनके नंबर ऑफ मोल्स लिख लिए सीक्वेंस में, अब सबसे ये छोटी वैल्यू है, सब वैल्यूज़ को उस पर डिवाइड करेंगे, ये सबसे छोटी है 1.82, बाकी सब दोनों वैल्यूज़ बढ़ी हैं, तो हम सब को इस वैल्यू पर डिवाइड करेंगे 5.45, 1.82, उसके बाद 5.46 ओवर 1.82, 1.82 ओवर 1.82। ठीक हो गया, इनको हमने सबको सबसे छोटी वैल्यू पे डिवाइड किया
और हमारे पास जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 3, इसका आंसर आएगा 3 और इसका आंसर 1। ठीक हो गया, इसका आंसर भी 3, इसका आंसर भी 3 और इसका आंसर 1। अब ये हमारे पास स्मॉल होल नंबर रेशो आ गई, मतलब होल नंबर्स हैं ये 3, 3, 1, ये होल नंबर्स हैं। अब जो इसका स्टेप नंबर 4 होता है एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का, ये हमने 3 स्टेप्स किए हैं। स्टेप नंबर 4 में वो कहते होते हैं कि अगर हमारे पास ये जो रेशो है होल नंबर में आ जाती है तो हम कहेंगे कि यही एम्पिरिकल फार्मूला है। जैसे यहाँ पे आ गया 3, 3, 3, 1, ठीक हो गया, 3, 3 और 1 आ गए। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास कार्बन है वो भी 3 है, हाइड्रोजन वो भी 3 है और ऑक्सीजन 1 है, तो हम लिख सकते हैं C3H3O1। ठीक हो गया, कार्बन 3, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 1, तो C3H3O, ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला बन गया। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास जो है ये आ जाए, फर्ज किया ये आ जाए 1.33, 1.33 आ जाता है यहाँ पे 1 की बजाय, तो हमारे पास वो डेसिमल्स में चला जाता है, पॉइंट्स में चला जाता है। फिर हम उनको क्या करते होते हैं, होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी सूटेबल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं। ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि होल नंबर्स आ गए। अब हमने इसको लिख दिया, ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन हो गया, हमारे पास पहला स्टेप जो है वो हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला जो हमने डिटरमाइन करना था वो हमने डिटरमाइन कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड, अब एम्पिरिकल फार्मूला जो हमने डिटरमाइन किया है, हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे, क्योंकि हमें एन की वैल्यू निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास जो हमें दिया गया है यहाँ पे 110.15, एम्पिरिकल फार्मूला मास वो हम चाहिए। अब हम एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे निकालेंगे, कार्बन 12 और 3 एटम्स हैं इसके, ये हमारे पास 12 × 3 + 1 × 3, हाइड्रोजन 1 होता है और 3 एटम्स हैं, 1 × 3 + 16, तो ये हमारे पास 15.05 आ जाएगा इसका ग्राम्स पर मोल, एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब क्या करेंगे, मास ऑफ मोलर मास ऑफ कंपाउंड, एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड। ठीक हो गया, अब मोलर मास हमें दिया गया था 110.15 ओवर उसका जो हमने एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाला है, वो पुट करेंगे, हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, एन इज इक्वल टू 2 आ गई। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक एम्पिरिकल फार्मूला रखेंगे यहाँ पे और एन के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो है यहाँ पे देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला 2 × C3H3O, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास है ये 6 हो जाएगा। और ये जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उसको मल्टीप्लाई करना है, एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई नहीं करना, ये नहीं करना कि 3C और 3H उसके बाद 3, 2O, ऐसे नहीं, मतलब तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई इसके साथ नंबर ऑफ एटम्स के साथ, C 6 हो जाएगा, H 6 हो जाएगा और O 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा कंपाउंड का। ठीक हो गया, तो ये था हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे लिख सकते हैं। इसमें हमने ये भी देखा है कि एम्पिरिकल फार्मूला हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम आप लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9 सुनेंगे तो उसमें हमने बहुत ही डिटेल से अच्छे से एम्पिरिकल फार्मूले को डिटरमाइन किया है। ठीक हो गया, उसका लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ से जाके वो लेक्चर सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच।